मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग जाएंगे। मेरा तो किसानों वाले पे झगड़ा हो गया था, 700 किसान मरे, एक कंडोलेंस इसकी तरफ से नहीं गया। तो सत्ताधारी लोग जो है बीजेपी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार सीटें लाएंगे, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑफ इंडिया में, जहां पर एक आंदोलन किया जा रहा है और आप पोस्टर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में चिंताएं एवं जवाबदेही जो है वो किसकी है, इस बात के लिए सत्यपाल मलिक के अध्यक्षता में जो है ये जन आंदोलन किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, और इसके लिए सवाल पूछे जा रहे हैं साफ तौर पर सरकार से कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी जवाबदेही किसकी है। तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो देश में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उन पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मान आते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया आता है, इस इंडिया कंपनी में इंडिया आता है। ये लॉस्ट हिज माइंड, वो पैनिक कर गए, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ओपोजिशन की ऐसी यूनिटी हो सकती है। आरपीएफ का जवान जो है ट्रेन में जाके लोगों को गोली मार देता है और कहता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता उसने ये कहा कि नहीं, अगर कहा है तो बहुत डिस्टर्बिंग है, क्या इस तरीके से ऐसा नहीं लगता कि तानाशाह आ गया देश में? तानाशाह तो 5 साल से है यहाँ, लोग समझ नहीं रहे। मैं तो बहुत देर से, मेरा तो किसानों वाले पे झगड़ा हो गया था इससे विपक्षी, लेकिन अब 700 किसान मरे, एक कंडोलेंस इसकी तरफ से नहीं गया। विपक्ष लेकिन दावा कर रहा थी, सत्ताधारी लोग जो है बीजेपी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार सीटें लाएंगे, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग जाएंगे, हारेंगे पूरी तरह। आपने सुना सत्यपाल मलिक जी को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है अब इस बार जो है 400 के पार सीटें आए ना आए, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति आने वाली है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी जनहित आवाज़।